हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेंद्र सुथार एंड टुडे आई विल टीच इंग्लिश ग्रामर फॉर एनसीईआरटी आरबीएससी क्लास 8 स्टूडेंट्स. द नेम ऑफ द टॉपिक, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन योर एग्ज़ाम एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इंग्लिश वोकैबुलरी. इन दिस टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड in exam paper. Basically there are two types of questions which can be asked from this topic. So in this video today we will understand type one type of questions which can be asked in your paper, and in next video I will explain you how type two questions are asked in your exams. So start karte hain. Type one questions mein आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और इस सेंटेंस के किसी वर्ड का मीनिंग पूछा जाता है, जिसमें आपको चार ऑप्शंस दे रखे होंगे और उनमें से सही ऑप्शन को आपको चूज़ करना है. तो ये टाइप वन क्वेश्चन होता है जो इस टॉपिक से आपको पूछा जाता है. तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स दे रखे हैं और उन मीनिंग के इंग्लिश में उनका सिनोनिम आपको दे रखा है. तो आप इन सभी को पढ़ें, अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें और उनको लर्न करने की कोशिश करें. जैसे कि स्मार्ट का चतुर हो गया और चतुर को क्लेवर भी कहा जाता है. चीफ का मीनिंग होता है प्रधान, जिसको हेड भी कहा जाता है. इस तरीके से सबसे पहले ये जितने भी आपको यहाँ पर मैंने मीनिंग्स दिए हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही हैं और आपके टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में आए हैं. तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं. तो ये सारे मीनिंग्स आपको आगे और भी दे रखे हैं. ये सारे मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं. ये लिखने के बाद में आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और उसकी कुछ एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं. जैसे ये एक्सरसाइज वन है जिसमें टाइप वन के क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए. तो चलो इनकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं. लेकिन इनसे पहले आप ये क्वेश्चन जितने भी मीनिंग्स थे जो वर्ड्स थे वो अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट डाउन कर लें और उनको पढ़ते हुए समझ लेवें और याद कर लेवें. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ रेड विथ ब्लड द पाथ दैट लीड्स टू दी. द पाथ मीन्स, ये जो इस सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस में पाथ का मीनिंग क्या होता है. तो पाथ का मीनिंग यहाँ पर चार ऑप्शन है, गॉड, वे, रुइन एंड एनिमी. तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, पाथ का मतलब होता है रास्ता और रास्ते का दूसरा इंग्लिश में वर्ड होता है वे. उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वॉट वॉर्स दे वेज्ड. हियर वॉर्स मीन्स, यहाँ पर वॉर्स का मतलब क्या है. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको चारों ऑप्शन में से चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, बैटल्स, ग्लोरी, ब्रेवरी एंड वॉर्स, इसमें से आपको आंसर पता चल जाएगा कि वॉर्स मतलब होता है युद्ध, लड़ाइयाँ. तो यहाँ पर बैटल्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में अगर हम लोग देखें, द चिल्ड्रन वर डिलाइटेड टू सी दे अगेन. हियर डिलाइटेड मीन्स, यहाँ पर डिलाइटेड का मीनिंग क्या है. तो डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना. तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं, अनहैप्पी, हैप्पी, सैड एंड एंग्री, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हैप्पी. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो सेंटेंस दे रखा है वो है, दे लुक एट माई टस विद ग्रीडी आईज. ये सारे ही जितने क्वेश्चन इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ, आपको ध्यान रखना है कि ये आपके बुक के किसी न किसी चैप्टर से हैं. तो आप इनको भी प्रैक्टिस करें और इनको प्रैक्टिस करके आपको एक बार यूँ आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें. तो हम क्वेश्चन फोर्थ फिर से पढ़ते हैं, द लुक एट माई टस्क विद ग्रीडी आईज. हियर टस्क मीन्स, यहाँ पर टस्क क्या होता है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, नोज, आईज, टीथ एंड ईयर्स. तो टस्क होता है जो हाथी के दिखने वाले दांत होते हैं, सूंड के साइड में जो दो दांत होते हैं उनको टस्क कहा जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा टीथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फाइव, द कमांडर वॉज एंक्शियस अबाउट हिज ट्रूप्स. हियर एंक्शियस मीन्स, एंक्शियस का मीनिंग क्या होता है इस सेंटेंस के अंदर वो हमको इन चार ऑप्शन में से पता करके राइट पर निशान लगाना है, ऑप्शन चूज करना है. तो जो चार ऑप्शन है वो है थॉटफुल, वरीड, अटेंटिव एंड केयरफुल. तो एंक्शियस का मतलब थोड़ा सा घबराया हुआ और इस तरीके का कुछ मीनिंग आता है. तो इसमें चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर होगा वरीड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, द यंग लेडी शोव्ड डीप वेंजियंस. हियर वेंजियंस मीन्स, वेंजियंस का मीनिंग होता है बदला.
तो यहाँ पर चार ऑप्शन जो है, रिवेंज, हैप्पीनेस, लव एंड स्माइल, तो इसमें से आंसर हो जाएगा रिवेंज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th, द वाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफर्ल्स। हियर वंडेड मीन्स, वंडेड का क्या मीनिंग होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। वंडेड मतलब चोटिल, जिसको चोट चोटी चोट लग जाती है उसको, चोट लगने को, चोट को वोंड कहा जाता है, और वंडेड मतलब जिसको चोट लग गई है। तो हेल्दी अनहेल्दी, इंजर्ड एंड वाटर, तो आंसर वुड बी इंजर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द भिक्षु वॉज एस्टोनिश्ड। हियर एस्टोनिश्ड मीन्स, एस्टोनिश्ड क्या होता है वो आपको पता करना है। एस्टोनिश्ड का मतलब भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो ये चार ऑप्शंस जो दे रखे हैं यहाँ पर, सरप्राइज, डिलाइटेड, हियर, सी, तो आंसर हो जाएगा इसमें से सरप्राइज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th, इट मेड हर मोर मिजरेबल। हियर मिजरेबल मीन्स, मिजरेबल का मीनिंग मतलब दुखी होना, बहुत ही ज़्यादा दुखी होना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैप्पी, ब्राइट, डार्क और वेरी अनहैप्पी में से वेरी अनहैप्पी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एवरी चैप्टर यू अनफोल्ड। हियर अनफोल्ड मीन्स, यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्लोज, शट, ओपन एंड डार्क। अनफोल्ड मतलब खोलना, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th, आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। हियर रिसीव्ड मीन्स, चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, गॉट, सेंड, गेव, प्रोवाइडेड। तो रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना, तो आंसर हो जाएगा आपका गॉट। क्वेश्चन नंबर 12th यहाँ पर जो दे रखा है इस एक्सरसाइज का, उसमें है आई एम ग्लैड टू सी यू। हियर ग्लैड मीन्स, ग्लैड का मतलब क्या होता है वो आपको इसमें से बताना है। तो सॉरी, एंग्री, हैप्पी एंड टायर्ड, ग्लैड मतलब खुश होना, तो आंसर हो जाएगा इसका हैप्पी। इसके साथ में अब एक्सरसाइज 2 यहाँ पर दे रखी है, तो ये एक्सरसाइज 2 आपको इनके सारे ही क्वेश्चंस को पढ़ना है और इनको समझने की कोशिश करनी है। और जैसे ही आप इस पूरे वीडियो को देख लें, एक्सरसाइज 2 के अंदर आंसर भी मैंने साथ में लिखे हुए हैं, सारे ही क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर, 8, 9 एंड 10। तो आपको ये 10 जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है। और जैसे ही आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देवें डन, ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन बच्चों ने इस वीडियो को देख लिया है। आपको खाली मैसेज करना है आपकी आईडी से, आपका जो भी जिस भी अकाउंट से आप यूट्यूब चलाते हैं उससे आपको कमेंट में लिखना है डन। इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, जिसको भी ज़रूरत है, जिस भी बच्चे को अभी इस लॉकडाउन पीरियड में पढ़ना है आप उसको भेजें, ताकि कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्प कर पाएँ। और इसी के साथ थैंक यू, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस के साथ। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।